की बात करेंगे जिसने अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। 100 और उम्मीदवारों के नाम बीएसपी ने घोषित कर दिए हैं, तो कुल 200 उम्मीदवारों की लिस्ट यहां पर बीएसपी की तरफ से जारी कर दी गई है। कुछ देर पहले ही मायावती ने एक प्रेस माफ कीजिएगा एक सम्मेलन किया था उन उम्मीदवारों के साथ जो कि यहां पर उम्मीदवारों का ऐलान वो कर चुकी हैं। और इनके नोटबंदी के फैसले से यहां उत्तर प्रदेश में भी अभी तक काफी परेशान हालत में चल रही जनता के बारे में भी जानकारी देने के लिए तथा अपनी इन सब कमियों के डर से, यानी कि बीजेपी द्वारा अपनी इन सब कमियों के डर से ये बैठक बुलाई गई है, ताकि फिर यहां उत्तर प्रदेश में बीएसपी की अकेले ही पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई जा सके।